हेलो फ्रेंड्स, आई एम संजय गुप्ता। वेलकम बैक ऑन संजय गुप्ता टेक स्कूल। तो आप देख रहे हैं सी लैंग्वेज वीडियो सीरीज इन हिंदी एंड दिस सीरीज फॉर बिगिनर्स। तो इस वीडियो में हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है व्हाइल लूप। तो व्हाइल लूप का सिंटेक्स डिस्कस करेंगे, उसका प्रोसेस देखेंगे एंड उसके बाद ये जितने भी प्रोग्राम्स यहाँ पर मैंशनड है उनको एक एक करके पहले लॉजिक डिस्कस करेंगे एंड देन उसका कम्प्लीट सॉल्यूशन इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको व्हाइल लूप की कंप्लीट वर्किंग समझ में आ जाएगी। एंड पिछले वीडियो में मैंने आपको फॉर लूप के बारे में और बहुत सारे प्रोग्राम्स बताए थे जो कि लेक्चर नंबर 11 है। तो जो इस वीडियो सीरीज को फॉलो करना चाहते हैं उनको प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं या कोई भी डाउट्स मुझसे डिस्कस करना चाहते हैं तो ये मेरी डिटेल्स है। नॉर्मली होता क्या है कि वीडियो देखने के बाद बहुत सारे डाउट्स मन में रह जाते हैं और आप चाहते हैं कि काश वो डाउट्स कोई क्लियर कर देता तो हमें और अच्छे से चीजें समझ में आ जाती। तो उसके लिए मैं अवेलेबल हूँ, आप मुझसे कभी भी कम्युनिकेट कर सकते। तो अब स्टार्ट करते हैं व्हाइल लूप। तो फॉर आप ऑलरेडी समझ चुके हैं, जिन्होंने नहीं देखा है वो वीडियो तो प्लेलिस्ट में वीडियो नंबर 10 और 11 को देखें ताकि फॉर लूप समझ में आ जाए और फिर उसके बाद व्हाइल लूप को देखें। तो सबसे पहले सिंटेक्स देखते हैं। तो व्हाइल लूप सिंटेक्स, ठीक है। तो अगर हम फॉर और व्हाइल के सिंटेक्स को कंपेयर करें तो फॉर लूप में आपने देखा था कि सबसे पहले इनिशियलाइजेशन किया, देन कंडीशन एंड देन सेमी कॉलन के बाद हमने लिखा था इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट एंड जो भी स्टेटमेंट है वो इस लूप के साथ रिपीट कराए। अगर व्हाइल लूप की बात करें तो इनिशियलाइजेशन सबसे पहले होगा, देन व्हाइल के साथ आ जाएगी कंडीशन और फिर कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो भी स्टेटमेंट्स आपको रिपीट कराने हैं वो और फिर उसके बाद इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। ये सिंटेक्स होता है व्हाइल लूप का। तो अभी भी इनिशियलाइजेशन सबसे पहले होगा, उसके बाद व्हाइल लूप की कंडीशन अगर ट्रू है तो ये जो स्टेटमेंट लिखे हैं वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे और फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जो भी आपको परफॉर्म करना है वो होगा। फिर से कंडीशन चेक होगी, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होगा। तो ये कब तक रिपीट होगा? जब तक कि ये कंडीशन ट्रू है, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे फॉर और व्हाइल तो दोनों का रोटेशन साइकिल सेम है, इनिशियलाइजेशन एक ही बार होता है और फिर कंडीशन ट्रू है तो लूप रिपीट होगा, अदरवाइज नहीं। तो दोनों टॉप टेस्टेड लूप है, कंडीशन ट्रू होने पर ही लूप में एंट्री मिलेगी, अदरवाइज नहीं। तो अब आप कहेंगे कि दोनों का फिर डिफरेंस क्या हुआ? तो आप देख सकते हैं फॉर लूप में तीनों स्टेटमेंट एक ही लाइन में लिखना जरूरी होता है और व्हाइल के अंदर हम तीनों को अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कहीं पर भी मेंशन कर सकते हैं। तो कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहां पर आप इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट को अलग अलग प्लेस पर लिखना चाहते हैं, एक साथ नहीं, तो उस केस में आप प्रेफर कर सकते हो व्हाइल लूप, ठीक है। अदरवाइज फॉर और व्हाइल का जो एग्जीक्यूशन साइकिल है वो बिल्कुल सेम होता है। तो अब एक छोटा सा प्रोग्राम इंप्लीमेंट करते हैं जिससे आपको व्हाइल लूप की वर्किंग समझ में आ जाएगी और आप फील भी कर पाएंगे कि वो बिल्कुल फॉर के जैसा ही काम करता है। तो जैसे हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया आई, यूजर से एक नंबर इनपुट करा लेते हैं और उस नंबर को अपन स्टोर करते हैं एन वेरिएबल में, एन को ऊपर डिक्लेयर किया। अब मैं while लूप स्टार्ट करूंगा तो मैंने लिखा while, सॉरी उससे पहले मैंने लिखा i equals to 1, ये हुआ इनिशियलाइजेशन। फिर मैंने लिखा while i less than equals to n, ये हुई कंडीशन। देन मुझे i को प्रिंट करना है तो ये बेसिकली प्रोग्राम है नेचुरल नंबर प्रिंटिंग का और उसके अंदर मैंने लिख दिया i plus plus। तो ये बेसिकली सबसे सिंपल एग्जाम्पल है जो कि आपको while लूप कैसे इंप्लीमेंट करते हैं वो बता रहा है। तो ये जो स्टेटमेंट है दिस इज इनिशियलाइजेशन, आई वन से स्टार्ट हुआ, फिर ये कंडीशन, अगर कंडीशन ट्रू है तो आई अपनी वैल्यू को प्रिंट करेगा और फिर उसके बाद आई अपनी वैल्यू को वन से इंक्रीज कर लेगा। फिर से कंडीशन चेक होगी, अगर कंडीशन ट्रू है तो आई प्रिंट होगा और फिर आई प्लस प्लस हो जाएगा। तो इस तरीके से ये लूप रिपीट होता रहेगा। तो आप देख सकते हैं कि इनिशियल वैल्यू, कंडीशन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट को तीनों को अलग अलग प्लेस पर लिखा है जबकि फॉर में तीनों को एक साथ लिखना होगा। तो नेचुरल नंबर आपके स्क्रीन पर डिस्प्लेड है 1, 2, 3, 4, 5। तो ये छोटा सा एग्जांपल था जो कि व्हाइल लूप के प्रोसेस को एक्सप्लेन कर रहा है।
तो आई होप कि आपको वाइल का सिंटेक्स और उसका जो एग्जाम्पल है वो प्रॉपरली समझ में आ गया होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि कुछ प्रोग्राम्स अगर हम और इम्प्लीमेंट करें तो वाइल लूप भी और अच्छे समझ में आ जाएगा। तो पहला प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करते हैं, दैट इज कैलकुलेट सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ नंबर। तो सबसे पहले टाइटल यहाँ लिखते हैं, कैलकुलेट सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ नंबर। इन सारी चीजों को तो मैं इरेज कर रहा हूँ, तो पहले देखते हैं करना क्या है। तो फॉर एग्जाम्पल नंबर है 123, ठीक है। तो ये बोल रहा है प्रोग्राम का टाइटल जो ऊपर कमेंट में लिखा है, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ नंबर। तो इसका मतलब हमें क्या करना है, 1 + 2 + 3, तो रिजल्ट क्या शो हो जाना चाहिए, 6। तो हमें एक नंबर रीड करना है, उसमें कितने भी डिजिट्स हो सकते हैं, हमें उस नंबर के हर डिजिट को आपस में ऐड करना है और उसका टोटल प्रिंट कराना है। तो अगर आपको ध्यान हो और आपने पिछले सारे वीडियोस अगर देखे होंगे, तो बिल्कुल बिगिनिंग में मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था डेटा टाइप्स के अंदर। डेटा टाइप्स में हमने एक एग्जांपल डिस्कस किया था जिसमें मैंने आपको, सॉरी लेक्चर नंबर 5 में हमने एक एग्जांपल डिस्कस किया था जिसमें सम ऑफ 2 डिजिट नंबर आपको बताया था, ठीक है। वीडियो नंबर 5 अगर आप देखेंगे तो उसमें सम ऑफ 2 डिजिट नंबर बताया था जो कि सिर्फ 2 डिजिट के लिए था। अगर 3 डिजिट का सम करना है तो वो भी आप बना सकते हैं, बट आप चाहते हैं कि कितने भी डिजिट का नंबर अगर हम इनपुट कराएं और फिर भी वो सम हमें कैलकुलेट होकर मिल जाए, तो वो प्रोग्राम अभी आपको देखने को मिलेगा कि कैसे इंप्लीमेंट होगा, ठीक। तो इसीलिए पिछले वीडियो देखना जरूरी है ताकि आप पूरी सीरीज को प्रॉपरली फॉलो कर पाए। तो अगर नंबर 1 2 3 है तो रिजल्ट ये आ जाएगा, अगर नंबर होता 12 तो हमें क्या करना था, 1 + 2, और रिजल्ट क्या आ जाता, 3। अगर 4 डिजिट नंबर है तो वो चारों डिजिट ऐड होंगे एंड सो ऑन। तो ये चीज तो आपको समझ में आ गई होगी कि हमें बेसिकली करना क्या है, ठीक है। अब कैसे करना है वो देखते हैं। तो सबसे पहले एक वेरिएबल लिया n, फिर मैंने लिखा प्रिंट एफ एंटर अ नंबर, और मैंने उसको स्कैन कराया परसेंट d और एम्परसेंट n के थ्रू। तो अपने पास अब n वेरिएबल के अंदर एक वैल्यू अवेलेबल है जिस नंबर के अंदर जितने भी डिजिट्स हैं उन सबका सम हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो अब एक छोटा सा प्रोसेस देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल नंबर होता 1 2 3, नंबर था 1 2 3। तो अब हम इसको सॉल्व कैसे करें, तो मैं इसकी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आपको बता रहा हूँ, फिर हम उसको लूप में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये सबसे पहला स्टेटमेंट, एस इक्वल्स टू एन मॉड्यूलस 10, और हम मान के चल रहे हैं कि एस की बिगिनिंग वैल्यू है 0। एंड एक वेरिएबल लिया ए, तो यहां मैं एस की जगह ए लिख रहा हूं, तो ए में आ जाएगा एन मॉड्यूलस 10। तो नंबर है 123, 123 को हम 10 से मॉड कर रहे हैं। तो हमेशा ध्यान रखो जब किसी भी नंबर को 10 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमेशा लास्ट डिजिट आता है, तो इस केस में ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3। फिर मैंने लिखा एस इक्वल्स टू एस प्लस ए, एस बिगिनिंग में 0 था तो एस हो जाएगा अब 3। फिर मैं लिख रहा हूँ एन इक्वल्स टू एन बाई 10। तो जब किसी भी नंबर को 10 से डिवाइड करते हैं तो डिवाइड मतलब कोशेंट वैल्यू आती है। तो नंबर को 10 से डिवाइड किया तो नंबर है 123, तो 123 को जब 10 से डिवाइड करेंगे तो कोशेंट आएगा 12, और वो किस में असाइन हो जाएगा, एन। तो इस स्टेप के बाद एन की न्यू वैल्यू क्या हो गई, 12। तो हमारा एक जो स्टेप है वो कंप्लीट हुआ, हमने 3 को एक्सट्रैक्ट किया, 3 को एस में ऐड किया और अपने पास रिमेनिंग नंबर आ गया 12। अब हमें इन्हीं को रिपीट करना है, तो आप लिखेंगे ए इक्वल्स टू एन मॉड्यूलस 10। तो एन कितना है अभी लेटेस्ट, 12। 12 को 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 2। तो ए की नई वैल्यू क्या हो गई, 2। फिर लिखा एस इक्वल्स टू एस प्लस ए, तो एस की लास्ट वैल्यू क्या है, 3। तो अब 3 में क्या ऐड हो जाएगा, 2, तो एस कितना हो जाएगा, 5। और फिर आप लिखोगे एन इक्वल्स टू एन बाय 10, तो एन की लास्ट वैल्यू थी 12, 12 को 10 से डिवाइड करोगे तो कोशेंट आ जाएगा 1, तो एन की नई वैल्यू आ गई 1। अब हमें ये सेम प्रोसेस एक बार और रिपीट करना है, तो एन मॉड्यूलस 10। तो अब नंबर है 1, 1 को 10 से डिवाइड किया, डिवाइड नहीं होगा तो रिमाइंडर क्या रह जाएगा, 1 ही रह जाएगा। फिर आप ये लिखेंगे
तो एस की लास्ट वैल्यू क्या है, 5, तो अब यहाँ एस में आ जाएगा 6, 5 + 1 = 6। फिर अगर हम एन को 10 से फिर से डिवाइड करेंगे तो अब 10 डिवाइड नहीं होगा और रिजल्ट आ जाएगा 0। तो अगर आप ग्रुपिंग करें तो आप देखोगे कि ये तीन स्टेटमेंट ही हमने रिपीट किए हैं, तो लाइन नंबर 12, 13, 14, लाइन नंबर 15, 16, 17 और लाइन नंबर 18, 19, 20 ये तीनों सेम है। तो अब मैं क्या करूंगा, एक लूप यहाँ पे इंप्लीमेंट करता हूँ। तो लूप मुझे कब तक चलाना है, जब तक n किससे बड़ा है, 0 से, क्योंकि हम कब जाके रुके, जब n 0 हो गया। तो n अगर 0 से बड़ा है तो हमें लूप रिपीट करना है। तो पहला स्टेप क्या होगा, a इक्वल्स टू n मॉड्यूलस 10, फिर हम लिखेंगे s इक्वल्स टू s प्लस a और फिर हम लिखेंगे n इक्वल्स टू n बाय 10। ठीक है, अब जो वेरिएबल एक्स्ट्रा हमने डिक्लेयर किया उनको ऊपर लिख देते हैं। और इस लूप के खत्म होने के बाद जो कि सम है वो हमें प्रिंट करना है s के थ्रू। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो फाइनली s के अंदर क्या अवेलेबल है, 6। तो 1, 2, 3 का सम कितना हुआ, 6। तो इन तीनों स्टेटमेंट्स को बार बार लिखने की बजाय हमने एक लूप के अंदर लिख दिया। तो अब ये जो while लूप है वो इन तीनों स्टेटमेंट्स को रिपीट करेगा, कब तक, जब तक कि n किससे बड़ा है, 0 से। और लूप खत्म होने के बाद जो भी वैल्यू s के अंदर अवेलेबल है वो सम होगा और वो प्रिंट हो जाएगा। तो अब इनको मैं इरेज कर रहा हूं, सेव किया प्रोग्राम को, कंपाइल और एग्जीक्यूट करते तो मैंने इनपुट किया 1, 2, 3, तो रिजल्ट आ गया 6। इसको एक बार फिर से रन करते हैं, अभी मैं इनपुट कर रहा हूँ 1, 2, 3, 4, तो रिजल्ट क्या आ गया, 10। ठीक है, तो इस तरीके से हमने 3 डिजिट और 4 डिजिट नंबर को इनपुट करके और चेक किया कि रिजल्ट सही से आता है या नहीं। तो हमेशा ध्यान रखो, जब भी आपको किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट एक्सट्रैक्ट करना है तो n मॉड्यूलस 10, और अगर उस नंबर से लास्ट डिजिट को रिमूव कर देना है तो n बाय 10, और नंबर जो नया नंबर आएगा वो उसी वेरिएबल में स्टोर कर दो। ठीक है, तो इसको आप मैन्युअली भी सॉल्व करने की कोशिश करना, अगर कोई भी डाउट आता है तो कमेंट करिए या मुझसे कम्युनिकेट करना, तो मैं आपको पर्सनली भी एक्सप्लेन कर दूंगा। देन आगे बढ़ते हैं, अब हमने सम ऑफ डिजिट्स तो कर लिया, अब हम बात करते हैं रिवर्स की। तो इसी प्रोग्राम को थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे तो नंबर का रिवर्स आ जाएगा। तो हम इंडिविजुअल नंबर तो इस स्टेटमेंट के थ्रू आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तब आपको क्या करना है कि नंबर को ऐड करने की जगह उसको पहले 10 से और मल्टीप्लाई कर दो। नंबर को ऐड करने की जगह उसको 10 से और मल्टीप्लाई कर दो तो रिवर्स आ जाएगा। ठीक है, तो आप देखो इनिशियली क्या होगा, s 0 है तो 0 × 10 0 होता है, बट जो लास्ट डिजिट एक्सट्रैक्ट होगी वो a में ऐड होके s में असाइन हो जाएगा। जब अगली बार कोई डिजिट आएगा, जैसे 1, 2, 3 हम एग्जांपल के लिए लेते हैं, n अगर 1, 2, 3 है तो a में आएगा 3, तो s भी हो जाएगा 3, क्योंकि पहले 0 × 10 0 प्लस a ऐड करेंगे तो s में 3 आ जाएगा। फिर अगली बार हो जाएगा n 12, तो 12 मॉड्यूलस 10, तो a में कितना आएगा, 2, s में है 3, तो ये बनेगा 3 × 10 30 प्लस a ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 32, तो s में ऑटोमेटिकली 32 आएगा। और फिर n बाई 10 करेंगे तो 12 / 10 ये हो जाएगा 1, तो अगली बार a में 1 आएगा, s है 3, 2, तो 32 × 10 कितना हुआ, 320 प्लस 1 उसमें ऐड करेंगे तो ये फाइनली हो जाएगा 321। तो इस तरीके से सॉल्व होगा। तो बहुत सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, एक एक वेरिएबल को साइड में लिखो, लूप चलाते जाओ और वेरिएबल की वैल्यू को चेंज करते जाओ। तो अब यहाँ पे नंबर डाला 123, तो ये आ गया 321। ठीक है, अगर कोई और डिजिट आप एंटर करते हैं, लेट से 3456, तो ये आ जाएगा 6543। तो कोई भी नंबर एंटर करो उसका रिवर्स आपको यहाँ ऑटोमेटिकली अवेलेबल हो जाएगा। अब इसी प्रोग्राम को अगले प्रोग्राम को सॉल्व करने के लिए यूज करते हैं। तो अगला है चेक वेदर अ नंबर इज पैलिंड्रोम और नॉट। तो पैलिंड्रोम नंबर वो होते हैं जो जिनका रिवर्स ओरिजिनल के इक्वल होता है, जिनका रिवर्स ओरिजिनल के इक्वल होता है, तो हमें चेक करना है पैलिंड्रोम। फॉर एग्जांपल अगर नंबर है 121 तो पैलिंड्रोम है 1, 2, 3, 1, 2, 3,
1 2 1 ये पैलिंड्रोम नंबर है, 1 2 3 पैलिंड्रोम नहीं है। तो अब पैलिंड्रोम के लिए क्या करना है, रिवर्स निकालना है। तो अब देखो ऊपर जो प्रोग्राम लिखा हुआ है उसमें रिवर्स ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर रहे हैं, और रिवर्स किस वेरिएबल में आ रहा है, एस, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इफ कंडीशन लगाना है लूप खत्म होने के बाद, और हमें एस को कंपेयर करना है एन, जिसके की अंदर ओरिजिनल वैल्यू है। बट हम एन को हर बार 10 से डिवाइड कर रहे हैं, तो लूप खत्म होने के बाद एन क्या हो जाएगा, 0, जो कि मैंने आपको अभी पहले स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके ही बताया था कि लूप कब रुकेगा, जब एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो क्या ये कंडीशन कभी भी ट्रू होगी, नहीं, क्योंकि एन हमेशा 0 होगा। तो अब आप क्या करोगे, एक टेम्प वेरिएबल बनाओ, और लूप स्टार्ट होने से पहले उस टेम्प वेरिएबल में एन की वैल्यू को स्टोर कर दो। तो एन अगर 0 हो भी जाता है तो उसकी एक कॉपी किस वेरिएबल में अवेलेबल है, टेम्प। तो हम एन के जगह यहाँ क्या यूज कर लेंगे, टेम्प। तो टेम्प बेसिकली एन है, ठीक है, और एस के अंदर रिवर्स आ जाएगा। तो अगर दोनों मैच करते हैं तो आप क्या प्रिंट कर दोगे, पैलिंड्रोम, एल्स नॉट पैलिंड्रोम, ठीक। तो इस तरीके से अपना नेक्स्ट प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। तो आप देख सकते हो कि एक ही लॉजिक को हम चेंज कर करके कितने अदर प्रोग्राम्स को सॉल्व कर पाएंगे। तो 121 इज पैलिंड्रोम। अब अगर मैं एंटर करता हूं 1 2 3 तो ये आउटपुट शो करेगा नॉट पैलिंड्रोम। तो इस तरीके से हमने व्हाइल लूप को यूज किया फॉर चेकिंग वेदर अ नंबर इज पैलिंड्रोम और नॉट, ठीक। अब बात करते हैं चेक वेदर अ नंबर इज आर्मस्ट्रांग और नॉट। तो अब आर्मस्ट्रांग नंबर के दो लॉजिक होते हैं। तो पहले फर्स्ट लॉजिक देखते हैं। फर्स्ट लॉजिक ये कहता है कि अगर कोई नंबर है 1 2 3 तो आपको क्या करना है, हर डिजिट का क्यूब निकालना है। तो आप करेंगे 1 क्यूब। अब इसमें मैं क्यूब लिख नहीं पाऊंगा तो आपको वर्बली समझना पड़ेगा कि 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब, और मतलब उस पूरी कैलकुलेशन का जो रिजल्ट है अगर वो ओरिजिनल नंबर के इक्वल होता है तो वो आर्मस्ट्रांग, ठीक है। अगर नंबर होता 1 2 3 4 तो भी हमें हर डिजिट का क्यूब ही निकालना है, 5 डिजिट होगा तो भी हर डिजिट का क्यूब निकालना है। तो ये तो है एक मेथड। दूसरा मेथड ये कहता है कि अगर नंबर 3 डिजिट है तो क्यूब, 4 डिजिट है तो पावर में 4 आ जाएगा, 5 डिजिट है तो पावर में 5 आ जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए हमें एडिशनली क्या करना पड़ेगा, ये भी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कितने डिजिट का नंबर है। तो पहले हम ये मान के चलते हैं कि कितने भी डिजिट का नंबर हो हमें तो हर डिजिट का क्यूब ही निकालना है। तो पहले वो सॉल्व करते हैं फिर उसका अगला मेथड देखते हैं। तो अब हमें यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। देखो ये जो एस है इसमें एडिशन होगा, और किसका एडिशन होगा, ए इंटू ए इंटू ए, ये क्यूब हो गया। तो अब आर्मस्ट्रांग भी क्या कहता है कि आपको अलग अलग करने हैं डिजिट्स। तो डिजिट्स हम किसके थ्रू अलग अलग कर रहे हैं, इस लाइन के थ्रू। तो हर डिजिट ए में आएगा, उसका क्यूब निकाला, उसको एस के अंदर ऐड कर दिया, फिर वो जो लास्ट वाला डिजिट था वो इससे रिमूव हो जाएगा, फिर अगला डिजिट ए में आएगा, उसका क्यूब होगा और वो एस के अंदर ऐड हो जाएगा। तो जब ये लूप कंप्लीट होगा तो एन 0 हो चुका है, तो हम एन की वैल्यू को टेम्प में ऑलरेडी असाइन कर चुके हैं। तो अगर एस जिसमें क्यूब्स का सम है वो टेम्प के इक्वल है तो आप क्या शो कर सकते हैं, आर्मस्ट्रांग, अदरवाइज नॉट आर्मस्ट्रांग, ठीक है। अब आप कहोगे कोई ऐसा नंबर बताओ जो कि आर्मस्ट्रांग होता है, तो वो नंबर है 153। अगर आप 1 क्यूब प्लस 5 क्यूब प्लस 3 क्यूब कैलकुलेट करोगे तो उसका जो सम है वो 153 ही आएगा, ठीक है। तो 1 का क्यूब 1, 5 का क्यूब 125 और 3 का क्यूब होता है 27। तो 1 प्लस 125 प्लस 27 इक्वल्स टू 153। तो अब हम इसको चेक भी कर लेते हैं। तो कंपाइल और रन किया, मैंने एंटर किया 153, तो ये शो कर रहा है आर्मस्ट्रांग। अगर मैं कोई और नंबर डालता हूं, जैसे मैंने एंटर किया 152, तो ये शो करेगा नॉट आर्मस्ट्रांग। तो ये पहला मेथड था जिसमें हर डिजिट, चाहे वो नंबर 2 डिजिट का है, 3 डिजिट का है, 4 डिजिट है, 5 डिजिट है, हमेशा एक एक डिजिट अलग अलग होंगे और उनका क्यूब ही आपको कैलकुलेट करना है।
ठीक है। अब हम बात करते हैं कि हम अगर नंबर 4 डिजिट का है तो पावर में 4 आए, नंबर 5 डिजिट का है तो पावर में 5 आए, तो उसके लिए हमें ये भी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि नंबर में कितने डिजिट हैं, ठीक है। तो उसके लिए देखो अब आगे एक और प्रोग्राम लिखा हुआ है, काउंट हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर इन अ नंबर। तो पहले इसको बना लेते हैं फिर वो सॉल्व करेंगे। तो अब मैं यहाँ पे एक कमेंट कर रहा हूँ ये पूरा कोड, क्योंकि हम इसको बाद में यूज करने वाले हैं। तो n के अंदर एक वैल्यू आ गई, यहां पर मैं एक वेरिएबल लूंगा काउंट जिसकी इनिशियल वैल्यू होगी 0। एक लूप में इटरेट करूंगा जो कि जब तक n 0 से बड़ा है तब तक रिपीट होगा। लूप के अंदर मैंने काउंट को प्लस प्लस कर दिया और n इक्वल्स टू n बाय 10, ठीक है। यहां पर मैंने लिखा temp इक्वल्स टू n, क्योंकि ये जो लूप है ये जब रिपीट होगा तो आप देख रहे हो ये स्टेटमेंट n इक्वल्स टू n बाय 10 जो एक एक डिजिट रिमूव करता है और वो नंबर एट द एंड 0 हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने n को temp में असाइन कर दिया ताकि हम फर्दर इसको यूज कर पाए, तो वो आगे बताऊंगा कैसे करेंगे। तो अभी प्रिंट एफ बैक स्लैश n डिजिट्स आर परसेंट डी एन काउंट। अब ये जो काउंट वेरिएबल है वो ये बताएगा कि नंबर में कितने डिजिट्स हैं, ठीक है। तो पहले एक बार इसको रन कर लेते हैं। मैंने नंबर डाला 1, 2, 3, 4, देखो डिजिट्स आर 4। फिर से रन किया नंबर 12, तो इसने शो कर दिया डिजिट्स आर 12। तो प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं। अब इसको चेक करते हैं काम कैसे कर रहे हैं, ठीक है। तो अब देखो n अब इसके लिए मुझे यहां मैं वेरिएबल्स डिक्लेयर कर लेता हूं। तो लेट सपोज n है 1, 2, 3, ठीक है। इनिशियली काउंट कितना है 0, तो नंबर 0 से बड़ा है। काउंट प्लस प्लस, तो काउंट कितना हो गया 1। फिर नंबर को 10 से डिवाइड किया और नंबर में ही असाइन कर दिया, तो 10 से डिवाइड किया मतलब लास्ट डिजिट हट गया और n के अंदर क्या रह गया 12। फिर चेक की कंडीशन, 12 0 से बड़ा है, यस। काउंट प्लस प्लस होगा तो काउंट की वैल्यू क्या हो गई 2। फिर n को 10 से डिवाइड किया तो अभी n रह जाएगा 1। 1 0 से बड़ा है, ट्रू। काउंट की वैल्यू क्या हो गई 3। फिर n को 10 से डिवाइड किया, अब n हो जाएगा 0, तो अब ये कंडीशन फॉल्स। तो आप देख सकते हो काउंट कितना है 3, क्योंकि नंबर 3 डिजिट का था। अगर 4 डिजिट होता तो ये 4 बार चलता, 5 डिजिट होता तो ये 5 टाइम्स चले। तो इट मींस नंबर तो 0 हो जाएगा बट काउंट के अंदर वो डिजिट आ चुका है जो हमें चाहिए था, ठीक। अब हमें ये चीज प्रिंट करानी नहीं है, हमें इसको आर्मस्ट्रांग के अंदर यूज करना है। तो अब देखो डिजिट काउंट वाले प्रोग्राम को और आर्मस्ट्रांग को मर्ज करेंगे तो नया प्रोग्राम बनेगा। तो टेम्प के अंदर n को ऑलरेडी असाइन कर दिया, इस लूप के खत्म होने के बाद n तो 0 हो जाएगा और काउंट के अंदर टोटल डिजिट्स आ जाएंगी। तो अब यहां पर क्या करते हैं, उल्टा कर देते हैं, n इक्वल्स टू टेम्प। तो टेम्प में जो n था उस टेम्प की वैल्यू को वापस किसमें असाइन कर दिया, n वेरिएबल के अंदर। तो इट मींस लाइन नंबर 14 पर n और temp में सेम वैल्यू है। फिर फर्दर ये लूप चलेगा और n वापस 0 हो जाएगा बट temp के अंदर वो वैल्यू अभी भी रहेगी जिसको हम फर्दर यूज करेंगे। अब हमें यहां पर चेंज करना है, हम अब हर बार क्यूब नहीं सॉल्व करेंगे, तो हमें यहां पर यूज करना पड़ेगा POW प्री डिफाइंड फंक्शन। तो अब देखो यहां पर मल्टीप्लाई तो होगा a, और कितनी बार मल्टीप्लाई होगा काउंट टाइम। तो अगर नंबर है 1, 2, 3, 4 तो काउंट के अंदर नंबर ऑफ डिजिट्स कितने आ जाएंगे 4। तो बेस तो रहेगा ए, जो डिजिट है जो हम यहाँ से आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि जो डिजिट लास्ट डिजिट नंबर का है वो ए में आ जाए, तो हमने यहाँ बेस बना दिया ए। और काउंट के अंदर हम जो नंबर ऑफ डिजिट्स है उसको मान रहे हैं पावर, ठीक है। तो POW कैसे यूज करते हैं ये लेक्चर नंबर 6 में आपको मैंने बताया था, तो अगर नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट के अंदर वो वीडियो देखो और पावर कैसे यूज करते हैं वो पता चलेगा। तो अब ये प्रॉपरली सॉल्व हो जाएगा, इसको रन करते हैं। सॉरी काउंट वेरिएबल, ओके। देखो POW के लिए मैंने हेडर फाइल यूज नहीं किया इसलिए इसने एरर शो कर दिया, तो मुझे एक हेडर फाइल और इंक्लूड करना पड़ेगा, math.h।
तो जब भी प्रीडिफाइंड फंक्शन यूज करेंगे तो हेडर फाइल यूज करना जरूरी है। तो मैंने नंबर डाला 153, तो ये शो कर रहा है आर्मस्ट्रॉन्ग। अगर कोई नॉन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर डालेंगे, जैसे मैंने डाल दिया 1234, तो ये शो कर देगा नॉट आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो अब आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, नेट पे सर्च करो कौन कौन से आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर्स होते हैं और उसको ट्राई कर सकते हैं। तो मैंने आपको दो मेथड बताए। फर्स्ट वाले मेथड में हमने हर बार क्यू भी यूज किया, चाहे कितने भी डिजिट का नंबर हो। और दूसरा मैंने मेथड आपको बताया कि आप पहले नंबर ऑफ डिजिट्स निकालो एक लूप के थ्रू, और फिर दूसरे लूप के थ्रू उस नंबर ऑफ डिजिट्स को एज अ पावर यूज कर सकते हैं। तो आप एक ही प्रोग्राम के अंदर दो बार वाइल लूप या कितने भी लूप इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और हर लूप में एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स हैं, इसलिए हम कर्ली ब्रेसेस को यूज कर रहे हैं। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब लास्ट प्रोग्राम बचता है, काउंट हाउ मेनी डिजिट्स आर इवन एंड ऑड इन अ नंबर। बहुत ही सिंपल होगा, तो इन सारी चीजों को तो रिमूव कर देते हैं। ए की रिक्वायरमेंट होगी, टेम की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, और यहाँ पर मैं दो वेरिएबल बना रहा हूँ, एक इवन के लिए और एक ऑड के लिए। तो नंबर लिया, लूप तब तक ही चलेगा जब तक कि नंबर जीरो नहीं हो जाता, काउंट हमें करना नहीं है अभी। तो ए इक्वल्स टू एन मॉड्यूलस 10, तो इससे एक एक डिजिट आपके पास आएगा ए में। तो आप चेक करो इफ ए मॉड्यूलस 2 डबल इक्वल्स टू 0। तो अगर ए में जो नंबर आया, ए में जो डिजिट आया, नंबर का जो डिजिट ए में आता है, अगर वो 2 से डिविजिबल है तो वो इवन है। तो आप क्या लिखोगे, इवन प्लस प्लस, अदरवाइज आप क्या लिख दोगे, ऑड प्लस प्लस। और फिर उस डिजिट को नंबर से रिमूव करने के लिए हमने ये लिख दिया। तो इस तरीके से लूप चलता रहेगा, फाइनली इवन वेरिएबल में इवन काउंट आएगा, ऑड वेरिएबल में ऑड काउंट आ जाएगा। तो लूप फिनिश होने के बाद हमें ये काउंट प्रिंट करना है। तो अब इवन इक्वल्स टू परसेंट डी देन बैकस्लैश एन, ऑड इक्वल्स टू परसेंट डी देन इवन कॉमा ऑड। इस तरीके से ये प्रोग्राम कंप्लीट हुआ। अब इसको जब सेव करके रन करोगे तो आप कोई भी नंबर एंटर करो, उसमें मिक्स डिजिट एंटर करो। जैसे मैंने दिया 1, 2, 3, 4, 5, तो अब इसमें इवन डिजिट्स हैं 2 और 4, ऑड डिजिट्स हैं 1, 3, 5। तो देखो इवन इक्वल्स टू 2 और ऑड इक्वल्स टू 3। ठीक है, तो इस तरीके से प्रोग्राम प्रॉपरली रन कर रहा है। तो आप कोई भी लॉजिक अब अपने प्रोग्राम में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो जितने भी प्रोग्राम मैंने आपको डेमोन्स्ट्रेट किए वो सारे वाइल लूप पर डिपेंडेंट थे। ठीक है, तो ये सारे प्रोग्राम अपने लैपटॉप पर टाइप करके रन करो ताकि आपको चीजें समझ में आए। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मुझसे कॉन्टेक्ट करिए ताकि मैं आपके डाउट्स को रिजॉल्व करूं और आप एक अच्छे प्रोग्रामर बन पाए। तो अगेन इस पूरी वीडियो सीरीज को फॉलो करना है तो लिंक्स डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, प्लेलिस्ट का लिंक वहां से देखो और सारे वीडियोज को एक एक करके देखिएगा। और अगर वीडियोज पसंद आते हैं लाइक करो, कमेंट करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो ताकि वीडियोज पॉपुलर हो पाए। तो आई होप कि जितनी भी चीजें मैंने आपको इस वीडियो में बताई वो आपको समझ में आई होंगी एंड आप इस पूरी वीडियो सीरीज को एंजॉय कर रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।